सम्मेलन बुलाया गया है। सम्मानित अध्यक्ष जी, मंचा सिंह जो इस कार्यक्रम के कर्ता और जो भी व्यवस्था है अपने नेतृत्व में, मुझे कहने के लिए कुछ शब्द नहीं जा रहा है। निरंतर जो सारी व्यवस्था मैं देखा कि सठीक तरीके से चल रहा है। राकेश जी हुए प्रधानाचार्य नवक, क्योंकि मैं विद्यालय से बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ। राकेश जी जानते हैं पूरे देश में विद्या भारती की एक इकाई चलती है शिशु मंदिर। मुझे परिभ्रमण का बहुत जगह मौका मिला, राकेश जी साथ थे। प्राइवेट स्कूल की कुछ समस्या थी, लोग जूझ रहे थे सारी जगह। दिलीप जी ने यह पहल किया, काफी अच्छी पहल थी। यह आपके विद्यालय के लिए ही नहीं है, समाज के लिए भी यह जरूरी है। सिर्फ आप अपनी विद्यालय की चिंता नहीं करते, आप समाज की चिंता करते हैं, शिक्षा का दान दे रहे हैं समाज में। बहुत से टीचर हैं, कितना वेतन मिलता है, लेकिन आप अलग जगा रहे हैं। जितने पैसा सरकारी विद्यालय के शिक्षकों को मिल रहा है, उतनी गुणवत्ता पूर्ण पढ़ाई उस विद्यालय में संभव नहीं है जितनी पढ़ाई की गुणवत्ता आप दे रहे हैं। आप पढ़ाई के पात्र हैं, सरकार को भी इस पर झुकना पड़ेगा। अगर इंस्टीट्यूशन मजबूत होगा तो निश्चित रूप से भी सरकार झुकेगी। जैसा दिलीप जी ने कहा, संघे शक्ति कलयुगे, कलयुग में अगर शक्ति रहेगी तो अच्छे अच्छे लोग झुकेंगे। चाहे अभी तो आपदा प्रबंधन के ब्याज दिए आए हैं, शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा भी आपके पास आ जाएंगे अगर आपको ताकत रहेगी। मैंने बात की थी शिक्षा जगत के एमएलसी हैं नवल किशोर यादव जी, विधानसभा में बहुत कड़ा रूप से शिक्षकों का आवाज उठाते हैं। मैं आज कहा कि भैया हम जा रहे हैं वहाँ कार्यक्रम में, कल क्या हमको तो कभी कोई बुलाता नहीं है। मैं दिलीप जी से कहूँगा कि जब भी वैसी आवश्यकता हो कम से कम उस व्यक्ति को विधानसभा में आपकी आवाज को बुलंद करें। कभी भी जरूरत होगी बुलाने का प्रयास कीजिए। आप समाज के धरोहर हैं, चाहे वो आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में काम किया या कोरोना जैसे संकट में काम किया या पटना में बाहर से लोग जूझ रहे थे उस समय भी मेरी विद्या भारती राकेश जी जान रहे हैं कितनी पानी में हेल कर पटना में सब लोगों को चूड़ा दूर पहुंचाने का काम किया था। तो प्राइवेट स्कूल आपका समाज के लिए भी है, सरकारी स्कूल का कोई शिक्षा कहीं नजर नहीं आया कोरोना में, लेकिन दिलीप जी ने जो हौसला दिखाया और मेरे पास गए, सहृदय तैयार हो गए और थाना में तमाम जगहों पर जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, आपका विद्यालय का एसोसिएशन का नाम रोशन किया। आगे भी जरूरत होगी तो मैं आपके साथ रहूंगा दिलीप जी, पीछे नहीं हटूंगा। जब भी जरूरत पड़ेगा मुझे याद कीजिएगा, मैं आपके साथ हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार। अभी बीच में परिचय दे रहे थे तो छूट गया था, मुझे भूलवश क्षमा करें। आप विद्या भारती की योजना के अनुसार जिला संयोजक हैं, बार पटना महानगर और ये पटना का पश्चिम भाग, और उस दृष्टि से भी काम को देखते हैं। आपके पास शिक्षा का बहुत अच्छा अनुभव है, आप पटना यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी से पढ़ाई किए हैं, कई छोटे छोटे चीज़ों पर इनका बहुत अनुभव काम आज भी लाभ लेते हैं, बहुत कुछ हमने सीखा है इनसे। तो मेरा आग्रह होगा दिलीप जी से भी और अन्य पदाधिकारी से भी कि इनका यथासंभव योगदान हम सब अपने एसोसिएशन में और अपने व्यक्तिगत विद्यालय में दें।